बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट डे है तो, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है इस ड्रेस में, तो कुछ अलग लग रहा है ये, कुछ आप बताना चाहिए। ये लुक है, ये रेट्रो लुक है, आपको देखिए पोल्का डॉट्स और रिबन्स और ये देख के आपको समझ में आ गया कि ये रेट्रो लुक है। सो ये जो शो है इसमें यू नो 80s 90s ऐसे करके आज तक के टाइम तक हम लोग जाते हैं, तो ये तब का है जब यू नो 80s का कुछ लुक है ये। ओके, जो आपकी वेब सीरीज है इसके बारे में थोड़ा कुछ अगर आप बताइए, जौहरी क्या है, जो टाइटल ही काफी अनोखा है, जो हिंदी ऑडियंस है उसके बारे में बताइए क्या है, क्योंकि इट्स लुक लाइक राजस्थानी जो टाइटल है, कुछ अगर आप बता सके। राजस्थानी तो और मैं नहीं बोलूंगी, ये जौहरी मतलब हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, तो ये एक जौहरी की कहानी है जो तो हीरा आप है इस वेब सीरीज की। सो ये हीरा उस जौहरी के पास हमेशा से ही था, लेकिन वो जो असली हीरा है वो कैसे यू नो उसके उसका व्यापारी होता है, तो कैसे उसका काम सीखता है और कैसे वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है और फिर क्या क्या उसकी लाइफ में होता है। सो यू नो वो एक जर्नी है और उसमें उसकी वाइफ की क्या भूमिका रहती है, क्या सपोर्ट सिस्टम बन के वो उसके साथ रहती है, क्या क्या उससे यू नो उसकी स्ट्रेंथ बन के उसके साथ रहती है, तो ये पूरी जर्नी आपको देखने को मिलेगी। ये वेब सीरीज के बारे में बताया गया मैम, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, करना है नहीं करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी इन लॉट ऑफ स्ट्रेस पूरा जानते हैं, लेकिन जब ये करने को आया तो आपने ये कैसे कहा? मुझे ये शो करना ही था, क्योंकि जब मैंने ये शो के बारे में सुना, पहले तो मुझे काम यू नो मेरे को चाहिए था कि मैं बहुत टाइम से मैंने काम नहीं किया था और अब जियाना के साथ मैं काम कर सकती थी, तो मैं काम ढूंढ ही रही थी और फिर ये शो मेरे सामने आ गया जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस तरह का रोल मैंने पहले कभी किया नहीं था, तो ये मेरे लिए यू नो एक चैलेंज की जैसा था, तो मैंने कहा आई विल टेक दिस चैलेंज बिकॉज आई लव टेकिंग चैलेंजेस, और बस बहुत मजा आया शो करके और अब देखना। हाँ, हमें करने में इतना मजा आया तो ऑब्वियसली आपको देखने में भी बहुत मजा आएगा। हाउ वाज द वर्किंग विद निशांत? निशांत बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन एक्टर है एक्चुअली, मुझे नहीं पता था कि वो इतने अच्छे एक्टर है, लेकिन इज एन अमेजिंग एक्टर, वंडरफुल एक्टर। कुछ कुछ सीन्स जब मैं उनके साथ होती थी तो मैं वो सीन अपना करना भूल जाती थी, मैं उनका परफॉर्मेंस देखने में बिजी हो जाती थी, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने कुछ कुछ सीन्स को, तो इज अ वंडरफुल एक्टर एंड इज अ वंडरफुल पर्सन ऑल्सो, अब तो खैर हम दोस्त बन गए हैं, तो इज अ वंडरफुल पर्सन। ओके, उन्होंने आपकी काफी तारीफ की, उन्होंने कहा कि यस इंटरव्यू में काफी तारीफ की और उन्होंने कहा कि आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और आपके साथ काम करना उनको बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? थैंक्स टू हिम। अच्छा, तो नहीं मैं क्या कहना चाहूंगी इसमें, दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम, अगर उनको भी ऐसा लगा है तो। उन्होंने कहा कि आपकी जो डॉटर है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो एक्चुअली मुझे, मैं आपको बता रही, मेरे लिए इतना स्मूथ हो गया, मैं जब शो स्टार्ट हुआ था तो मैं आई वाज रियली स्केयर्ड कि पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा, बट जरा सेट पे आती थी मैं अपना सीन करती थी, वो सबके साथ खेलते रहती थी, पूरा सेट उनके साथ खेलता था, निशान के साथ वो बहुत क्लोज है, निशान को देखते उसकी गोदी में चले जाती है, निशान को बच्चे भी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि एसएवी जी की जो वीडियोस आप बनाते हैं वो बहुत उन्हें पसंद आते हैं, क्या कहना चाहोगे? मतलब वो इतने सोशल मीडिया इतना नहीं रहते ज्यादा वो मतलब सोशल मीडिया, लेकिन उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा। याद है उन्होंने मुझे फॉलो किया था, मुझे बोला था अब इस बहाने मुझे जियाना के वीडियोस देखने को मिलेंगे, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, तो मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने जियाना के लिए मुझे फॉलो किया। ओके, आगे क्या है प्लानिंग मैम? एक बहुत बेहतरीन आपने स्टार्ट किया है और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी तरह से खत्म है यहाँ पे जर्नी, लेकिन फ्यूचर में आप क्या करना पसंद करेगी, कुछ अगर आप बता सके, कोई रियलिटी शो आप करना पसंद करेगी? रियलिटी शोज करना पसंद करूंगी, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो मैं झलक जरूर करना पसंद करूंगी, या खतरों के खिलाड़ी मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीजों से मुझे डर लगता है, तो मैं अपने डर को फाइट करने के लिए आई वुड रियली लव टू डू खतरों के खिलाड़ी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, वन लास्टली मैसेज टू योर फैन, लवली फैन जो आपको हमेशा से मोटिवेट करते हैं।
मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. मैं जब भी आप लोगों के बारे में बात करती हूँ मैं बहुत ओवर फील करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे, बहुत सपोर्ट किया है मुझे. तो ये जो शो हम बना रहे हैं जौहरी, इसको भी हमने बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ उसे भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आपने मेरे बाकी के किरदारों को दिया है हमेशा. तो एंड आई एम श्योर आप लोग देंगे. तो थैंक यू. शो कहाँ आने वाला है ये इतना बता दीजिए. तो ये शो जो है अतरंगी ऐप पर आने वाला है, और यह शो का नाम जौहरी है, और अतरंगी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और शो देखिए. थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू मैम ऑलवेज.